गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका और आपकी सफलता का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूथानेशिया। वर्ल्ड का एक बहुत ही बर्निंग इशू है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही जिसे टॉक ऑफ द टाउन है, यूथानेशिया। यूथानेशिया जिसे मर्सी किलिंग भी कहा जाता है, इस समय काफ़ी देशों की, काफ़ी कंट्रीज की जो है डिमांड बनता जा रहा है। यूथानेशिया क्या है? यूथानेशिया को लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम में लीगलाइज कर दिया गया है, मगर इंडिया में इसकी क्या प्रॉब्लम है, उसी का डिस्कशन पॉइंट है यूथानेशिया और मर्सी किलिंग, जिसे भारत में लागू नहीं किया जा सका या नहीं किया जा सका। काफ़ी उसके बैरिकेड हैं, काफ़ी उसके ऑब्स्टेकल्स हैं। देखिए क्या कहता है यूथानेशिया। यूथानेशिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है भारतीयों का जज्बाती होना, मौखिश होना, सेंटिमेंटल होना, क्योंकि भारतीय लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, जज्बाती होते हैं। वो किसी भी प्राणी को, नॉट ए ह्यूमन बींग, किसी भी प्राणी को, चाहे वो क्रिएचर है, किसी भी तरह का एनिमल है, बर्ड है, उसको उसकी अंतिम सांस तक सांस देने में बिलीव करते हैं, उसको अफर्ट करते हैं कि हम उसके लिए, उसकी ब्रीथिंग को जिंदा रखने के लिए हम अफर्ट कर सकें। लेकिन क्या एक ह्यूमन बींग को, किसी निकटतम रिश्तेदार को यूथानेशिया के लिए भारतीय दृष्टिकोण राजी को होगा? भारतीय दृष्टिकोण इस चीज़ की परमिशन देगा कि किसी भी निकटतम सगे संबंधी को यूथानेशिया के द्वारा दया मृत्यु प्रदान कर दी जाए? यूथानेशिया ग्रीक वर्ड है। यूथानेशिया का मतलब होता है विलिंगली प्लीजेंट डेथ, स्वेच्छा से सुखद मृत्यु प्राप्त करना, इच्छा मृत्यु, या जिसे कहते हैं मर्सी किलिंग या यूथानेशिया कहलाता है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो इंडिया का एक लैंडमार्क डिसीजन है, पी रथिनाम वर्सेस भारत संघ। इसमें आईपीसी की धारा 309 को संवैधानिकता को चुनौती दी गई, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई, जिसने कहा कि ये अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करती है। मगर उसी समय ज्ञान कौर वैसे पंजाब राज्य में ये साफ किया गया, ये एक्सप्लेन किया गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, उसमें मरने का अधिकार किसी भी प्रकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 21 अलाउ टू लीव, गिव राइट टू लिव, नॉट राइट टू डाई। हालांकि यूथानेशिया एक ऐसा बर्निंग क्वेश्चन है जहां पर इंसान सम्मानजनक मृत्यु प्राप्त करना चाहता है, किसी भी बीमारी के कारण, जब वो किसी घातक या लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुका है और उसके सर्वाइवल के कोई चांसेस नहीं है, मृत्यु उसकी निश्चित है, तो नेचुरल है वो दया मृत्यु की गोद में जाना चाहता है, जहाँ पर वो आसानी से अपना मृत्यु को प्राप्त कर सके और मृत्यु की गोद में जा सके, वही नाम है इच्छा मृत्यु का। यहाँ पर ये कहानी शुरू होती है, अमेरिका की एक महिला थी टेरी शियावो, जहाँ पर उसने दया मृत्यु उसके पति ने मांग की, जहाँ पर उसको पैसिव यूथानेशिया देकर मार दिया गया या पैसिव ईशा देकर मृत्यु दे दी गई। और ये टेरी शिकाओ का मामला था, टेरी शियावो का जो मामला था वो भारत में भी कई केसेस में गरमाने लगा, भारत की भूमि पर दया मृत्यु की मांग की जाने लगी। भारत में वेंकटेश नाम का एक 25 वर्षीय शख्स था, उसने अपने अंग दान देकर इच्छा मृत्यु पाने की इच्छा जाहिर की, मगर उसकी इच्छा को कानूनी प्रोसेस ने खारिज कर दिया, उसे इच्छा मृत्यु नहीं दी गई। उसी प्रकार 2005 में मोहम्मद अंसारी नाम का एक इंसान था, उसके 4 बच्चे जो है लाइलाज और फैटल और घातक बीमारी से ग्रसित थे, उसने भी इच्छा मृत्यु की मांग की, लेकिन उसकी इच्छा मृत्यु को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। इसी मामले में बहुत ही शानदार जो डिसीजन था वो था अरुणा शानबाग में। अरुणा शानबाग जो 42 साल तक कोमा में रही, 1975 में वो कोमा में गई थी और 42 साल तक, 42 ईयर्स तक वो कोमा में रही, और इसकी मर्सी के लिए या यूथानेशिया के लिए पिंकी वीरानी नाम की एमबीएस क्यूरी ने एक रिट लगाई और दया मृत्यु की मांग की। एक्टिव यूथानेशिया नहीं दिया गया, उसमें पैथिव यूथानेशिया दिया गया ताकि वो मृत्यु की गोद में जा सके, मृत्यु की गोद को प्राप्त कर सके स्वेच्छा से, वही इच्छा मृत्यु थी। तो आइए इच्छा मृत्यु के मामले में
हम कुछ और अच्छे डिस्कशन करते हैं। देखिए कैसे यूथानेशिया जी $64 क्वेश्चन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। यूथानेशिया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरे वर्ल्ड के लिए, बहुत ही ज़्यादा $64 क्वेश्चन है। दिस ग्रेव प्रॉब्लम इज लूमिंग लार्जर डे बाई डे, और ये प्रॉब्लम जो है दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है, बहुत विकराल होती जा रही है। एनी पर्सन हु सफर्स फ्रॉम, कोई भी व्यक्ति जब पीड़ित होता है, सफर फ्रॉम पीड़ित होता है किससे, फैटल और इनक्योरेबल डिजीज से, घातक और जानलेवा बीमारी से। ही पाइंस एट ग्रेवल्स फॉर डेथ, वो गिड़गिड़ाता है, वो तड़पता है मृत्यु के लिए, वो ग्रेवल करता है, वो पाइन करता है मृत्यु के लिए। आवर मॉकिस एटीट्यूड, हमारा जज्बाती रवैया, लॉयन इन द पाथ, रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है, लॉयन इन द पाथ, रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है काय के लिए, टू इम्पोज यूथानेशिया, यूथानेशिया लागू करने के लिए। आर्टिकल 21 अब्स्ट्रैक्ट, आर्टिकल 21 बाधा डालता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है, बाधा डालता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब बाधा डालना, टू लीगलाइज यूथानेशिया, यूथानेशिया लागू करने के लिए। एनी पर्सन हु इज डाइंग बाय इंचेस, कोई भी इंसान जो तिल तिल करके मर रहा है, तिल तिल करके मरना, बट डेथ सेंट्रलाइज हिम, लेकिन मृत्यु उसको तड़पाती है रूथलेसली, बेरहमी से। डाई बाय इंचेस, तिल तिल करके तड़पाना, डाई बाय इंचेस, घुट घुट के मरना, डाई बाय इंचेस, एक एक इंच मरना, डाई बाय इंच कहलाएगा। बट डेट टेंटलाइज हिम, टेंटलाइज का मतलब तड़पाना रूथलेसली, बेरहमी से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोनाउंस इंडोमिटेबल डिसीजन एन अरुणा शर्मा केस, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, प्रोनाउंस यानी सुनाना, इंडोमिटेबल डिसीजन, एक अद्वितीय डिसीजन अरुणा शर्मा के केस में। ये है यूथानेशिया के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ, ऐसी राइटिंग की दिशा में एक छोटा सा कदम। तो देखिए यूथानेशिया इज $64 क्वेश्चन फॉर द एंटायर वर्ल्ड, $64 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण समस्या। दिस ग्रे प्रॉब्लम इज लूमिंग लार्जर डे बाय डे, ग्रे प्रॉब्लम गंभीर समस्या, लूमिंग लार्जर, विकराल होते जाना। एनी पर्सन हु सफर फ्रॉम फैटल एंड इनक्योरेबल डिजीज, फैटल घातक, इनक्योरेबल लाइलाज, कोई भी इंसान फैटल और घातक बीमारी से ग्रसित होता है। ही पाइंस एंड ग्रेवल्स फॉर डेथ, वो आपका मृत्यु और जीवन के लिए गिड़गिड़ाता है, तड़पता है, पाइन का मतलब तड़पना, ग्रेवल का मतलब गिड़गिड़ाना। और मॉकिस एटीट्यूड, जज्बाती रवैया, लॉयन इन द पाथ, रास्ते की बाधा होती है, टू इम्पोज यूथानेशिया, यूथानेशिया लागू करने के लिए, इम्पोज लागू करना। आर्टिकल 21 अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट बाधा डालता है, आर्टिकल 21 बाधा डालता है, टू लीगलाइज यूथानेशिया, यूथानेशिया लागू करने के लिए। एनी पर्सन हु इज डाइंग बाय इंचेस, कोई भी पर्सन जो तिल तिल करके मर रहा है, डाई बाय इंचेस हो रहा है, बट डेट टेंटलाइज हिम, टेंटलाइज तड़पाना, रूथलेसली बेरहमी से, एक एडवर्ब है, रूथलेसली बेरहमी से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोनाउंस इंडोमिटेबल डिसीजन इन अरुणा शानबाग केस, इस केस में अरुणा शानबाग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अद्वितीय निर्णय दिया था। ये यूथानेशिया का, मर्सी किलिंग का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। आपको यदि कंटेंट प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपने आप को बता सकते हैं, ताकि आपकी भावनाओं को समझते हुए हम और इस दिशा में काम कर सकें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन, अगले कंटेंट के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।